अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन सन से स्टॉल के ऊपर आज मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर आप HVAC से रिलेटेड हैं तो इनका नाम एक ख़ुद से अपनी एक पहचान है, तो इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये किस किस्म की HVAC में जो अपनी खिदमात हैं, समझ लें कि अपनी प्रोडक्ट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बता दीजिएगा और अपनी प्रोडक्ट से। मानुल हसन मेरा नाम है और हम लोग मेनली कंप्रेसर्स में डील कर रहे हैं, जो कंप्रेसर्स हैं उसके बाद रेफ्रिजरेंट गैसेस हैं, टूल्स हैं, ये देखें जैसे ये कोल्ड स्टोरेज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये लीड डायरेक्टर्स हैं, ये टूल्स आपके BH मैनिफोल्ड्स हैं, फिर ये छोटे कंप्रेसर्स जो हैं वेसिकुलर्स भी लगते हैं, ये रैंक स्किल्स, काफ़ी इसमें बहुत बड़ी रेंज है, उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर ये बता दें कि अगर ये कोई प्रोडक्ट आपसे लेता है तो उसके अंदर आप अगर किसी किस्म की वारंटी इसके बारे में बता दें। देखिए वारंटी ये इंपोर्टेड आइटम्स होती हैं तो वारंटी के पीछे से नहीं आती, क्योंकि कंप्रेसर्स वगैरह जो हैं इलेक्ट्रिकल आइटम हैं और इसलिए, लेकिन लगने से पहले हम ऑन टाइम आप चेक करवा देते हैं, हम चेक कर देते हैं, लेकिन लगने के बाद इसकी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इशूज़ बहुत आ जाते हैं, कैसे समटाइम्स लोग बहुत लो लेवल की यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए। अच्छा सर, गैसेस के बारे में बहुत लोगों को जानना ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि कुछ फ्लेमेबल गैसेस हैं, कुछ आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, उसके ऊपर बताएं कि जो अजून फ्रेंडली या एनवायरमेंटली फ्रेंडली कह लें, उसके बारे में बताएंगे जो लोग नॉर्मल एसीज जैसे इन्वर्टर एसीज आए हैं उनमें कौन सी गैसेज प्रेफर करते हैं। आजकल जो रिकमेंड ज़्यादा की जा रही है 410 R22 को उन्होंने ऑब्सोलीट कर दिया, वो ख़त्म करें, ओजोन फ्रेंडली नहीं है, 410 आ गई है, 407 आ गई है, 134 चल रही है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, तो ये गैसेज फिलहाल ओजोन फ्रेंडली गैसेज हैं। ठीक है। अच्छा सर, आप ये जो कंप्रेसर्स हैं इनकी मिनिमम से लेके मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी को डील करते हैं? इसमें देखें ये तो छोटे कंप्रेसर्स अगर आप जाएँ वो तो बहुत छोटी कैपेसिटी के होते हैं, 4 or 5 HP, 4 or 3 रेफ्रिजरेटर। अगर आप बड़ों में जाएँ तो बड़े तो जो नॉर्मल जो ज़्यादा चलते हैं 15 टन तक होते हैं, उसके बाद तो फिर इसके ऊपर भी स्क्रॉल कंप्रेसर या बड़े इंडस्ट्री कंप्रेसर भी आप डील करते हैं? जी हम लोग डील करते हैं, स्क्रॉल डील करते हैं, लेकिन हम लोग मेन इस वक्त पिस्टन कंप्रेसर्स में कर रहे हैं, तो इसकी हमारे पास रेंज जो है वो तकरीबन 5 टन तक की है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।